बहुत समय पहले की बात है, रामपुर नामक गांव में जूही अपनी सौतेली माँ सुजाता और सौतेली बहन काव्या के साथ रहती थी। जूही की माँ की मृत्यु के बाद जूही के पिता किशोर दास ने इसलिए दूसरी शादी की थी ताकि जूही को कभी ममता की कमी महसूस ना हो। मगर किशोर दास को ये नहीं पता था जिसे वह जूही की माँ बनाकर लेकर आया है वह बहुत ही निर्दय और कठोर स्वभाव की औरत है। सुजाता ने घर में आते ही अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। वह जूही को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उससे घर का सारा काम कराती थी। सुजाता ने जूही को पूरी तरह से नौकरानी बना दिया था। जूही को फटे पुराने कपड़े पहनने के लिए देती थी, बचा कुचा खाना खाने के लिए देती थी और अपनी बेटी काव्या को रानी बनाकर रखती थी। उसे नई नई ड्रेस, अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट का खाना, जहाँ जाना चाहती थी वहाँ चली जाती थी। एक दिन काव्या तैयार होकर शादी में जा रही थी। उसने बहुत सुंदर झुमके पहन रखे थे जिन्हें देखकर जूही काव्या से कहती है, काव्या ये तुम्हारे झुमके कितने ज्यादा सुंदर हैं। तुम्हारे पास तो ज्वेलरी का बहुत सारा कलेक्शन है, ये व्हाइट वाले झुमके मुझे दे दो, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे पास तो एक भी झुमका या बाली नहीं है। हाँ मेरे पास ज्वेलरी का बहुत सारा कलेक्शन है, लेकिन इससे तुझे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि मेरी चीजों को नजर मत लगाया कर, जब देखो मुंह उठाकर मेरे सामान मांगने आ जाती है। तुझे मम्मी ने समझाया नहीं, तो इस घर की नौकरानी है, इस घर की बेटी सिर्फ मैं हूँ और ये सारा सामान भी मेरा है। आज के बाद मेरे सामान पर नजर मत रखना। अब चल यहाँ से, मुझे शादी के लिए तैयार होना है। सारा मूड ही खराब कर दिया। काव्या मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ, अगर तुम मेरी सौतेली बहन हो तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें अपनी सगी बहन की तरह मानती हूँ। कम से कम तुम तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव मत क्या करो जैसा माँ करती हैं। नहीं तो इस घर की बेटी नहीं है, तो इस घर की नौकरानी है। अगर आज के बाद तूने अपने आप को इस घर की बेटी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, काव्या जूही को सुना रही थी। तभी वहाँ पर सुजाता भी आ जाती है और वह काव्या से कहती है, क्या हुआ मेरी प्यारी बिटिया, तू इतना क्यों भड़क रही है, किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? कुछ नहीं मम्मी, ये जूही मेरे सुंदर व्हाइट ब्रांडेड झुमके मांग रही थी, इसे मैंने अच्छी तरह समझा दिया कि इस घर की बेटी नहीं है, नौकरानी है। क्यों री करम जली, तू मेरी बेटी के ब्रांडेड झुमके मांग रही थी? कभी सपने में भी देखे हैं ऐसे ब्रांडेड झुमके? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के ब्रांडेड झुमके मांगने की? तुझसे कपड़े धोने के लिए कहा था, धो दिए, और ये फर्श कितना गंदा हो रहा है। मुझे लगता है सिर्फ झाड़ू लगा देती है, महारानी पोंछा नहीं लगाती। पोंछा क्या तेरी मरी हुई माँ लगाएगी, महारानी को बस झुमके चाहिए। चल यहाँ से कामचोर, काम जो पड़ा है उसे खत्म कर। मैं और काव्या शादी में जा रहे हैं, फ्रिज में कुछ कल का खाना पड़ा है उसे खा लेना मनहूस। जूही को अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन की यह बातें सुनकर बहुत दुख होता है और जूही वहाँ से रोते हुए अपना काम करने चली जाती है। सुजाता और काव्या शादी में चली जाती हैं। जूही काम खत्म करके हमेशा की तरह बचा कुचा खाना निकालकर खा लेती है और अपनी माँ को बहुत याद करती है और उनकी तस्वीर के सामने खड़ी होकर बहुत रोती है। माँ आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चली गई? जब तक आप जिंदा थी तो मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, मेरी हर ख्वाहिश यूं ही पूरी हो जाती थी। लेकिन अब तो अगर मेरा छोटी से छोटी चीज को दिल भी करता है तो मेरी छोटी सी भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। माँ पिताजी अक्सर बाहर रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि यहाँ मेरे साथ कितना जुल्म और अत्याचार हो रहा है। माँ आप मुझे अपने पास बुला लो, मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। ऐसी जिंदगी का कोई फायदा नहीं जहाँ तुम्हारा कोई अस्तित्व भी ना हो। जूही ऐसा कहकर रो रही थी तभी जूही को एक आवाज आती है और वह आवाज कहीं और से नहीं बल्कि जूही की स्वर्गवासी माँ की तस्वीर से आ रही थी। तभी जूही की माँ जूही से कहती है, जूही मेरी बच्ची तू इस तरह से रो मत, मुझसे तेरी हालत नहीं देखी जा रही। माँ आप तस्वीर से बोल रही हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप मुझसे बातें कर रही हैं। हाँ मेरी बच्ची मैं एक आत्मा हूँ और मैं जानती हूँ तेरे ऊपर सुजाता और काव्या कितना जुल्म और अत्याचार करती हैं, लेकिन बस
अब बहुत हुआ, अब तेरे ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेगा। मैं तुझे एक ऐसी जगह बताती हूँ जहाँ जाकर तेरी हर एक परेशानी दूर हो जाएगी मेरी बच्ची। माँ, आप मुझे कहाँ भेजने वाली हैं जहाँ जाकर मेरी हर एक परेशानी दूर हो जाएगी? जूही, इस गांव के बाहर जो एक घना जंगल है, वहाँ एक जादुई झुमके का कुआं है। तू वहाँ जाकर जादुई झुमके के कुएं से जादुई झुमके लेकर पहन लेना, फिर देखना उस जादुई कुएं के झुमके से क्या कमाल होता है। जूही अपने आंसू पोंछ कर उस जादुई कुएं से झुमके लेने चली जाती है। जूही जादुई कुएं के पास जाने के बाद उस जादुई कुएं से कहती है, जादुई झुमके के कुएं, मुझे यहाँ मेरी स्वर्गवासी माँ ने भेजा है। मुझे तुम्हारे जादुई कुएं से बहुत सारे अलग अलग डिजाइन के जादुई झुमके चाहिए। जूही के इतना कहते ही जादुई कुएं से सुंदर सुंदर बहुत सारे डिजाइन के झुमके बाहर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जूही बहुत खुश होती है और जादुई कुएं से धन्यवाद कहती है। तभी जादुई कुएं से एक आवाज आती है, जूही, यह जादुई कुएं के जादुई झुमके हैं, इन्हें पहन लेना, फिर तुम जो भी काम करोगी वह तुरंत हो जाएगा और तुम अपनी पढ़ाई के लिए अच्छी तरह समय भी निकाल पाओगी। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, यह जादुई झुमके किसी भी लालची इंसान के हाथ में नहीं जाने चाहिए, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जूही जादुई कुएं की बातें सुनकर कहती है, ठीक है जादुई कुएं, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी कि ये जादुई झुमके किसी भी लालची इंसान के हाथों में ना जाएं। इतना कहकर जूही सभी सुंदर सुंदर झुमके अपने साथ घर ले आती है और घर आने के बाद उसमें से एक सुंदर झुमके पहन लेती है। झुमके पहनने के बाद जूही बहुत सुंदर लगती है। जूही बहुत ज्यादा खुश थी कि उसे अपनी माँ की वजह से जादुई कुएं के झुमके पहनने के लिए मिले। सुबह होने के बाद सुजाता जूही से कहती है, देख मनहूस लड़की, आज मेरे भैया शहर से आ रहे हैं, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना, और हाँ, घर की पूरी तरह सफाई भी कर। तुझे पता होना चाहिए कि मेरे भैया को गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सभी काम उनके आने से पहले हो जाने चाहिए। अगर काम टाइम पर नहीं हुआ तो तुझे अच्छी तरह पता है कि मैं तेरी कितनी पिटाई करूंगी। सुजाता जूही को काम बता ही रही थी, तभी काव्या की नज़र जूही के सुंदर सुंदर झुमकों पर जाती है। तभी वह अपनी माँ से कहती है, देखिए ना मम्मी, इस नौकरानी ने कितने सुंदर झुमके पहन रखे हैं। जरूर इसने रात को मेरी ज्वेलरी में से इन झुमकों को चुरा लिया होगा और उसने ये झुमके पहन भी लिए। मम्मी, इस नौकरानी की हिम्मत तो देखो। नहीं नहीं काव्या, ये झुमके तुम्हारे नहीं हैं, ये झुमके तो मेरी माँ के हैं। मैं मेरी माँ की पुरानी चीजें देख रही थी तो मुझे मेरी माँ की पुरानी चीजों में कुछ इस तरह के झुमके मिले, उनमें से मैंने ये वाले झुमके पहन लिए। जूही काव्या से झूठ बोल देती है और घर का सभी काम करने चली जाती है। जूही ने जादुई झुमके पहन रखे थे जिसकी वजह से उसे कुछ भी काम करना नहीं पड़ता, सभी काम तुरंत हो जाता है। कुछ समय बाद काव्या सुजाता से कहती है, देखिए ना मम्मी, इसकी माँ के कितने ज्यादा सुंदर सुंदर झुमके हैं जो इस नौकरानी ने पहन रखे हैं। मेरे पास तो एक भी ब्रांडेड झुमका ऐसा नहीं है जैसा इसने पहन रखा है। मुझे इस नौकरानी की माँ के सभी झुमके चाहिए। इनको पहनकर मैं कितनी ज्यादा सुंदर लगूंगी। मैं नहीं चाहती कि मुझसे ज्यादा सुंदर ये लगे। मम्मी, आप मेरी बात समझ रही है ना? कोई बात नहीं मेरी बच्ची, अगर तुझे इस करमजली के झुमके चाहिए तो मैं अभी इससे छीन कर लेकर आती हूँ। मैं मेरी बच्ची को उदास नहीं देख सकती। इस नौकरानी की इतनी औकात नहीं कि वह सुंदर झुमके पहने। इतना कहकर सुजाता जूही के पास जाती है और जूही से कहती है, ओ जूही महारानी, चल तेरी स्वर्गवासी माँ के सभी झुमके कहाँ रखे हैं? सब मुझे दे दे, मेरी बेटी को वो झुमके बहुत पसंद है। और जो तूने पहन रखे हैं, ये वाले भी झुमके मुझे दे। मेरी बेटी उदास है और उसे ये झुमके चाहिए। मैं मेरी बेटी को उदास नहीं देख सकती। जूही अपनी सौतेली माँ की बातें सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि जूही को पता था कि उसकी सौतेली माँ और सौतेली बहन लालची हैं। और जादुई कुएं ने मना किया था कि किसी भी लालची इंसान के हाथ में ये जादुई झुमके नहीं जाने चाहिए। तभी जूही सुजाता से मना कर देती है, माँ, आप मुझे चाहे कितना भी मार लो, लेकिन मैं अपनी माँ के ये झुमके आपको नहीं दूंगी। ये झुमके मेरी माँ का आशीर्वाद है।
सुजाता जूही की बहुत पिटाई करती है, लेकिन जूही अपनी सौतेली माँ को जादुई झुमके नहीं देती, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि अगर जादुई झुमके सुजाता और काव्या के हाथ में लग जाएंगे तो उनका अंजाम अच्छा नहीं होगा। रात हो जाने के बाद जब जूही सो जाती है तो सुजाता अपनी बेटी के लिए वह जादुई झुमके चुराने जूही के रूम में जाती है। जूही ने बहुत ही संभाल कर वह जादुई झुमके रखे थे, लेकिन सुजाता भी बहुत चालाक औरत थी। वह झुमके ढूंढ लेती है और ले जाकर अपनी बेटी काव्या को दे देती है। ले मेरी बच्ची झुमके, ये तो वाकई में बहुत ही ज्यादा सुंदर झुमके हैं। उस मनहूस ने 7 तालों में बंद करके रखे थे, बहुत मुश्किल से ढूंढ कर लेकर आई हूँ। काव्या बहुत खुशी खुशी वह जादुई झुमके जैसे ही पहनती है तो उसके कानों से खून निकलने लगता है। काव्या बहुत जोर जोर से चिल्लाती है, मम्मी प्लीज मेरे कान से जो खून निकल रहा है इसे बंद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये कैसे झुमके हैं जिसकी वजह से मेरे कान से इतना खून निकल रहा है? मम्मी मुझे बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी कुछ करो। सुजाता बहुत कोशिश करती है काव्या के कान का खून बंद करने की, लेकिन खून बंद ही नहीं होता, बहुत सारा खून निकल जाता है। तभी सुजाता जूही को बुलाती है और उससे कहती है, यह तेरी माँ के कैसे झुमके हैं जिसकी वजह से मेरी बेटी के झुमके पहनकर इतना सारा खून निकल गया? मेरी फूल जैसी बेटी का कितना सारा खून निकल गया? माँ ये आपने क्या अनर्थ कर दिया, ये कोई मामूली झुमके नहीं थे, ये जादुई कुएं के जादुई झुमके थे। जादुई झुमके? लेकिन तुम तो बता रही थी तुम्हारी माँ के झुमके हैं। जूही सुजाता को सारी सच्चाई बताती है कि किस तरह उसकी स्वर्गवासी माँ ने उसे एक जादुई कुएं के पास भेजा था जहाँ से वही जादुई झुमके लेकर आई थी, और जादुई झुमके के कुएं ने उससे मना किया था कि जादुई झुमके किसी भी लालची इंसान के हाथ में नहीं जाने चाहिए, इसलिए मैं आपको नहीं दे रही थी। सुजाता सच्चाई जानने के बाद अपने किए पर बहुत पछताती है और वह जूही से माफी मांगती है। जूही मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ कितना गलत व्यवहार किया, लेकिन तू हम माँ बेटी की सच्चाई जानती थी कि हम लालची हैं, इसलिए तू हमें जादुई झुमके नहीं दे रही थी। मुझे माफ कर दे, आज से तू मेरी सौतेली बेटी नहीं, आज से तू मेरी सगी बेटी है। जैसे मेरे लिए काव्या वैसे ही मेरे लिए तू, अब मैं तुम दोनों में कभी कोई फर्क नहीं करूंगी। सुजाता के इतना कहते ही काव्या के कान से खून निकलना बंद हो जाता है। आज जूही ने जादुई झुमके के कुएं की मदद से अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के दिल में जगह बना ली थी। अब वह अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है।